ले सरकार पूरे एक्शन में है। कुछ महीनों में सरकार तमाम पॉलिसी और कानून पारित करने के लिए जी जान से जुट गई है। इसी हफ्ते मुंबई में क्लस्टर रीडेवलपमेंट पॉलिसी के ड्राफ्ट नियम जारी हुए, तो दिल्ली में केंद्र सरकार फिर से रियल्टी में विदेशी निवेश को आसान बनाने के प्रपोजल पर चर्चा करने की तैयारी में है। रियल्टी सेक्टर की सबसे बड़ी खबरों को लेकर हम फिर हाजिर है। स्वागत है आपका रियल एस्टेट टीवी पर, मैं हूँ कविता कृष्ण। इस हफ्ते देखेंगे अहमदाबाद में सस्ते मकान बेचने के रेस में प्राइवेट बिल्डर से पिछड़ी सरकार, अब सरकार घटाएगी कीमतें। रियल्टी सेक्टर में एफडीआई नियमों को आसान करने की सरकार फिर से करेगी पहल, और हमारे एक्सपर्ट बताएंगे कैसे बनाए अपने निवेश को फायदे का सौदा टिप ऑफ द मंथ में। शुरुआत करेंगे इस हफ्ते की हमारी बड़ी खबर से। मुंबई में क्लस्टर रीडेवलपमेंट के नए नियम जारी हुए हैं, जिसके तहत अब उपनगरीय इलाके यानी सबर्ब्स में भी क्लस्टर रीडेवलपमेंट किया जा सकता है। यही नहीं, अब कोई भी 30 साल पुरानी बिल्डिंग क्लस्टर रीडेवलपमेंट का हिस्सा बन सकती है। मंजूरी के नियमों को भी कुछ आसान बनाने की कोशिश हुई है। आइए देखें क्या है खास नए क्लस्टर रीडेवलपमेंट पॉलिसी में। मुंबई के स्काईलाइन को बदलने की क्षमता रखने वाली क्लस्टर रीडेवलपमेंट पॉलिसी के नए नियम राज्य सरकार ने जारी किए हैं। नए नियमों के मुताबिक सिर्फ मुंबई ही नहीं, अब सबर्ब्स यानी उपनगरीय इलाकों में भी पुराने बिल्डिंग्स के समूह को तोड़कर नए बिल्डिंग बनाए जा सकते हैं। शर्त सिर्फ इतना कि प्लॉट का एरिया कम से कम 10,000 स्क्वायर मीटर या 2.5 एकड़ होना चाहिए। दक्षिण मुंबई में 4,000 स्क्वायर मीटर या 1 एकड़ के प्लॉट पर भी रीडेवलपमेंट किया जा सकता है। यही नहीं, अब किसी भी 30 साल पुरानी लीगल बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट हो सकता है। जो बिल्डिंग 30 साल से कम पुराने हैं, लेकिन जहां रहने में खतरा है, ऐसे बिल्डिंग्स का भी रीडेवलपमेंट हो सकता है। और अब 70% मालिक और 70% किरायेदारों की मंजूरी मिलने पर प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है। एफएसआई के नियम में क्लैरिटी लाया गया है। अब किसी भी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर डेवलपर को कुल प्लॉट एरिया का 4 गुना एफएसआई मिलेगा, जिसका मतलब ये है कि अगर कोई 10,000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है तो उस पर 40,000 स्क्वायर मीटर का बिल्ट अप एरिया वाले बिल्डिंग बनाई जा सकती है। नई पॉलिसी में किरायेदारों के लिए भी अच्छी खबर है। नियमों के मुताबिक हर किरायेदार को कम से कम 300 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया का मकान मिलना जरूरी है। हालांकि सरकार ने मैक्सिमम एरिया का कैप हटा दिया है। अब जितना बड़ा क्लस्टर होगा, उस हिसाब से किरायेदार को मिल रहे फ्लैट का एरिया भी बढ़ सकता है। नए नियमों में डेवलपर को मिल रहा इंसेंटिव यानी सेलेबल एरिया को जमीन के रेडी रखने रेट और क्लस्टर के साइज से जोड़ दिया गया है। साफ है कि प्लॉट जितना बड़ा या महंगा होगा, उतना ही ज्यादा डेवलपर को फायदा होगा। जमीन की किल्लत से जूझ रहे मुंबई शहर के लिए क्लस्टर पॉलिसी गेम चेंजर हो सकता है। इससे न सिर्फ पुराने जोखिम वाले बिल्डिंग का रीडेवलपमेंट होगा, बल्कि हाउसिंग स्टॉक भी बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि डेवलपर नए नियमों से बहुत खुश नहीं नजर आ रहे हैं, हालांकि पॉलिसी को वो अच्छा बता रहे हैं। उनका मानना है कि क्लस्टर रीडेवलपमेंट का बीड़ा उठाने के लिए डेवलपर को थोड़ा और इंसेंटिवाइज करना चाहिए। इसके पहले भी 2009 में रीडेवलपमेंट के नियम जारी हुए थे, जिसके बाद सिर्फ 10 प्रोजेक्ट्स को ही मंजूरी मिली है और 2 पर ही काम शुरू हो पाया है। तो क्या नया क्लस्टर पॉलिसी से बदलेगा मुंबई का चेहरा? क्या हाउसिंग स्टॉक इतना बन पाएगा कि सपनों की नगरी में हर कोई खरीद पाएगा सपनों का घर? चर्चा करने के लिए हमारे साथ है एक खास पैनल, जाने माने प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी नाइट फ्रैंक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गुलाम जिया और मुंबई में क्लस्टर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे 2 डेवलपर्स में से एक अविग्रा इंडिया के MD निशांत अग्रवाल। स्वागत है आपका इस खास चर्चा में। निशांत, आपसे शुरू करेंगे, ये बताइए जो नया पॉलिसी आया है उसे देखकर क्या आपको और क्लस्टर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में पैसे लगाने के बारे में आपकी दिलचस्पी है? अब जो नया क्लस्टर रीडेवलपमेंट पॉलिसी आया है, दिस इज डेफिनेटली मच मोर पॉजिटिव जितना पहले था उससे। दे हैव एड्रेस्ड अ लॉट ऑफ द कंसर्न्स, बट क्लस्टर ऐसा सब्जेक्ट है जिसको करने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो जितना ज़्यादा इंसेंटिव दोगे, उतना ज़्यादा जल्दी आपको उसका रिजल्ट दिखेगा। तो इट इज़ डेफिनेटली बेटर देन बिफोर। देर आर ऑब्वियसली लॉट ऑफ कंसर्न्स विच नीड टू बी एड्रेस्ड, बट सर्टनली देर आर इम्प्रूवमेंट्स। राइट, गुलाम आप बताइए, जो पुराने पॉलिसी के साथ जो कंसर्न्स थे, खासकर जो टेनेंट के जो कंसर्न्स थे, ऑक्यूपायर्स के जो कंसर्न्स थे, क्या ये पॉलिसी उसे एड्रेस करने में कामयाब हो पाए? जी देखिए, सबसे पहले तो जो टेनेंट्स या प्रोजेक्ट अफेक्टेड जो लोग हैं, उनके लिए इसमें एक ख़ास स्ट्रक्चर बताया गया है
कि डिपेंडिंग अपॉन जो साइज जो होगा आपकी रीडेवलपमेंट का, उसके हिसाब से इनका जो एडिशनल एरिया जो इनको मिलना है वो बढ़ता चला जाता है. अगर बड़ी प्रॉपर्टी हो, बड़ी साइज़ की प्रॉपर्टी हो, तो उस पर इन्हें ज़्यादा एरिया मिलेगा. तो वो एक क्लैरिटी है जो बहुत क्लियरली इसमें हमें दिखाई दे रही है. और दूसरी चीज़ जो नोट करने लायक है वो ये कि पहले सिर्फ आइलैंड सिटी के जो अफेक्टेड लोग थे, जो टेनमेंट्स ऐसे थे जिनको रिपेयर करना, मेंटेन करना, रिहैबिलिटेट करना ज़रूरी था, वो सिर्फ आइलैंड सिटी तक ही सीमित था. अब इसे ग्रेटर मुंबई तक भी ले जाया गया है, जैसे मुलुंड और दहीसर और इस तरह के सारे जो अब तक यहाँ तक के जो इलाके हैं वहाँ की जो इस तरह की ओल्ड कॉलोनीज़ थी. और पहले ये था कि सेस्ड बिल्डिंग होना ज़रूरी था. अब पुरानी बिल्डिंगें हैं, डिलेपिडेटेड हैं, 30 ईयर्स है उससे पुरानी बिल्डिंगें हैं लेकिन सेस्ड नहीं हैं, उनको भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है. तो इस तरह से काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट, अगर हम पुराने और नए वाले को कंपेयर करें तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स दिखाई दे रहे हैं. जी निशांत, ये बताइए, आपने कहा कि कई ऐसे कंसर्न्स हैं अभी भी जिसे एड्रेस नहीं किया है, तो आप इस पॉलिसी में क्या बदलाव देखना चाहेंगे? एट द मोमेंट खाली रेजिडेंशियल टेनमेंट्स का देखा जा रहा है, एंड अगर कमर्शियल का नहीं देखा जाएगा, जब तक कमर्शियल का नहीं देखा जाएगा तब तक रीडेवलपमेंट पॉलिसी ठीक से टेक ऑफ नहीं कर पाएगी. एक और मेन इशू यहाँ पे ये था कि कमर्शियल टेनमेंट्स को दे आर अलाउइंग कि आप उनको रेजिडेंशियल टेनमेंट्स भी दे सकते हैं, तो उसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है कि बिकॉज अब अगर मैं कमर्शियल टेनमेंट्स तो सब ग्राउंड पे मांगते हैं, ग्राउंड स्पेस इज वेरी वेरी लिमिटेड बिकॉज इट्स ऑलरेडी अ वेरी डेंस प्लॉट. अब अगर मैं फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कोई टेनमेंट को, मैं कमर्शियल से रेजिडेंशियल में चेंज कर सकता हूँ, तो उसको भी रेजिडेंशियल के बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, नहीं जब तक नहीं मिलेंगे तब तक वो एग्री नहीं करेगा. राइट गुलाम, जो रिजर्वेशंस वगैरह जो जोनिंग है उसको लेकर जो दिक्कतें थी पहले पुराने पॉलिसी में, इस नए पॉलिसी में क्या उसे एड्रेस किया है सरकार ने? आपके जो रिजर्वेशंस का जो आप सवाल उठा रहे हैं, इसके लिए ज़रूरी है ये समझना कि ओवरऑल डीपी जो चेंज हो रहा है उसमें कौन से नए रिजर्वेशंस वगैरह आ रहे हैं, उन रिजर्वेशंस को कैसे ट्रीट किया जा रहा है. जब तक कि वो सवाल मुकम्मल तौर पर जवाब नहीं दिया जाए तब तक ये अपने आप में जो एक एक छोटा सा क्लॉज है सिर्फ क्लस्टर रीडेवलपमेंट के लिए, अगर हम वो क्लॉज बना रहे हैं उसमें रिजर्वेशंस वगैरह का क्या ट्रीटमेंट हो, उसको हम अपने आप में जवाब नहीं दे पाएंगे. सबसे बड़ी एनोमली तो ये है करंटली कि ये दोनों चीज़ों को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है. अगला मसला ये आता है कि अगर रिजर्वेशन है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई स्कूल या हॉस्पिटल का रिजर्वेशन है या पुलिस हाउसिंग का, इस तरह की गवर्नमेंट हाउसिंग का कोई रिजर्वेशन है, तो आप उसको किस तरह ट्रीट कीजिएगा? निशांत, ये बताइए, एक दिक्कत जो कई डेवलपर्स ने हमें बताया वो ये है कि जिस तरह के इंसेंटिव्स दिए जा रहे क्लस्टर रीडेवलपमेंट के लिए वो उससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं है. उनका मानना है कि मुश्किलें ज़्यादा है, इंसेंटिव कम है. आपका क्या मानना है? क्लस्टर में बिकॉज साइज़ ज़्यादा बड़ा होता है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, लोगों की तकलीफ़ें ज़्यादा होती है, ज़्यादा लोगों को समझाना पड़ता है, तो जो इसका टाइम स्पैन होता है टू इम्प्लीमेंट अ क्लस्टर रीडेवलपमेंट स्कीम इट इज़ सिग्निफिकेंटली हायर. राइट, तो मुश्किलें बहुत हैं, मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं. सो 33.9 इज में जो बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं इट इज़ डेफिनेटली मोर देन 33.7, बट given the amount of additional headache that a developer has to go through, it is not compensating for that. There is no end to it. जी, तो लेंगे यहाँ पर एक ब्रेक, आगे देखेंगे क्या नए क्लस्टर पॉलिसी से बढ़ेगा मुंबई में सस्ते मकानों की सप्लाई. बने रहिए हमारे साथ. आप देख रहे हैं रियल एस्टेट टीवी. मुंबई के नए क्लस्टर पॉलिसी पर हमारी चर्चा जारी है. हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट गुलाम जिया और निशांत अग्रवाल बने हुए हैं. आपके हिसाब से कौन से इलाके होंगे मुंबई में और उपनगरीय इलाकों में जहां पर इसका सबसे ज्यादा फायदा दिखेगा? देखिए, जो साफ दिखाई देगा, साफ तौर पर जो दिखाई देगा, ऐसे इलाके हैं जहाँ पर डेवलपमेंट 30 साल से ऊपर का है लेकिन बिल्डिंगें कुछ ज़्यादा बेहतरीन कंडीशंस में नहीं हैं और वो अब तक सेस्ड बिल्डिंग की कैटेगरीज में नहीं आई हैं. तो इस तरह के बहुत सारे इलाके हैं. लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं लोखंडवाला का जो सारा इलाका है, वर्सोवा लोखंडवाला, यहाँ पर काफ़ी पुरानी बिल्डिंगें हैं जो इस सेगमेंट में बैठती हैं, 30 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और काफ़ी ख़राब हालत में हैं. इसी तरह घाटकोपर, पुराना घाटकोपर, इस तरह के जो इलाके हैं, कुरला घाटकोपर, और इस तरह के काफ़ी सारे इलाके हैं जहाँ पर इसका फ़ायदा दिखाई देगा. और अगर हम आइलैंड सिटी की भी बात कर लें, आइलैंड सिटी में चूंकि अब इन्होंने जो चेंजेस किए हैं,
ये साइज के बदले रेडी रेकनर वैल्यू से इन्होंने प्लॉट को बांध दिया है, तो जिसकी वजह से ऐसे बहुत सारे इलाके जिसको पहले फिजिबल नहीं समझा जाता था, जैसे वडाला, सिवरी, इस तरह के इलाकों में जो पुरानी बिल्डिंगें थी उनके डेवलपमेंट में भी काफ़ी सारी सुविधा पैदा हो सकती है। राइट निशांत, क्या आपको लगता है कि सस्ते मकानों की जो सप्लाई है वो बढ़ेगी यहाँ पर? जो नई पॉलिसी है इसके इनमें इसमें इन्होंने फ्लेक्सिबल बना दिया है, बिकॉज दिस इज़ टू डू विद प्राइमरीली डेंसिटी ऑफ प्लॉट। अगर प्लॉट के अंदर मेरे पास जगह ही नहीं है म्हाड़ा को देने के लिए, तो मैं दे हैव अकोमोडेटेड कि आप सेम वार्ड में दे सकते हैं, और बट अगर रेडी रेकनर वैल्यू में डिफरेंस है देन यू विल हैव टू गिव इंक्रीज्ड हाउसिंग। सो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी 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 स्मार्टली डन। ओवरऑल आपका क्या मानना है, क्या सस्ते हाउसिंग क्या सप्लाई बढ़ सकता है? एब्सोल्युटली बढ़ेगा। अगर हम कहते हैं कि मकान सस्ते मकान बनेंगे, तो जो मकान बनेंगे वो कितने सस्ते हो सकते हैं अभी के दामों को अगर आप नजर में रखते हैं तो? माडा की जो कॉलोनीज या माडा के जो मकान होते हैं वो प्राइवेट डेवलपमेंट से 35-40% तक के डिस्काउंट्स लोग एक्सपेक्ट करते हैं इन सारे मकानों पर। वो तो माडा को लेके हो गया, उसके अलावा जो 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 रिहेबिलिटेशन वाला जो कॉम्पोनेंट है वो उससे भी ज़्यादा सस्ता आता है, क्योंकि शायद वो SRA वाले हो सकते हैं, शायद वो ऐसे लोग हैं जो टेनेंटेड प्रॉपर्टीज़ को लिए बैठे हैं, उनके लिए 50% तक के डिस्काउंट जो है वो सही रहता है। तो अगर आप देखें तो जो बाजार में जो प्राइवेट डेवलपर्स बेच रहे हैं उनसे आधे से एक तिहाई दामों तक बाजार में माल डेफिनेटली आ जाएगा। राइट, ये बताइए कि मुंबई शहर को क्लस्टर रीडेवलपमेंट पॉलिसी से क्या फायदा होगा? मुंबई सिटी को ही सबसे ज्यादा फायदा है इसका। द नंबर वन रीज़न इज़ कि आपको इफेक्टिव रोड वाइडनिंग मिलती है। बिसाइड्स दैट न्यू प्रोजेक्ट्स विल ऑल्सो बी दे विल कंज्यूम लेस पावर, दे विल कंज्यूम लेस वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग विल हैपन, ऑल दीज फैक्टर्स अल्टीमेटली इफेक्ट द होल ऑफ मुंबई सिटी। जी, तो नए क्लस्टर पॉलिसी के आने से अगर आपने ये समझा कि मुंबई का चेहरा रातों रात बदल जाएगा तो ऐसा नहीं है, ये काफ़ी लंबा और पेचीदा रास्ता है। बहुत कुछ क्लस्टर रीडेवलपमेंट के लिए मकान मालिक, किराएदार के मंजूरी और सरकार के तरफ से अप्रूवल जुटाने जैसा। गुलाम निशांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ वक्त बिताया, और आगे देखेंगे और क्या है खास इस हफ्ते रियल एस्टेट सेक्टर में। बने रहिए हमारे साथ। रियल एस्टेट में विदेशी निवेश के नियमों को आसान करने पर सरकार एक नया कैबिनेट नोट जारी कर सकता है। इससे पहले सितंबर में सरकार ने कैबिनेट नोट जारी किया था जिस पर शहरी विकास मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के बीच मतभेद उठे। इस प्रपोजल के मुताबिक विदेशी निवेशक 50,000 स्क्वायर मीटर के बदले 20,000 स्क्वायर मीटर कार्पेट एरिया वाले प्रोजेक्ट में निवेश कर पाएंगे। साथ ही कम से कम निवेश की लिमिट $1 करोड़ से घटाकर $50,00,000 करने की बात थी। इसका मकसद सेक्टर में विदेशी निवेश बढ़ाना है। फिलहाल सिर्फ कुछ चुनिंदा टाउनशिप प्रोजेक्ट में ही विदेशी निवेशक हिस्सेदारी ले सकते हैं। अहमदाबाद में लगी है सस्ते मकानों की सेल। जी हां, 3 महीने पहले गुजरात सरकार और अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी या ऑडा ने 11,000 सस्ते मकानों की स्कीम का ऐलान किया था। उसके बाद कई डेवलपर ने भी अपने सस्ते मकान वाले प्रोजेक्ट लॉन्च किए। हुआ ये कि डेवलपरों के प्रोजेक्ट में हुआ बम्पर बुकिंग और सरकारी प्रोजेक्ट को मिला ठंडा रिस्पांस। अब हमारे सहयोगी मनीष देसाई बता रहे हैं कि सरकार बिक्री बढ़ाने के लिए कीमत घटा सकती है। 2012 के चुनाव में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के लोगों को सस्ते घर मुहैया कराने का जो वादा किया था उसे पूरा करने के लिए अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 3 महीने पहले अहमदाबाद और आसपास के इलाकों में 11,000 सस्ते घर बनाने की योजना का ऐलान किया था। इस योजना के तहत लोअर और मिडिल इनकम ग्रुप के लोगों को 1 और 2 BHK के घर दिए जाने थे, जहां 1 BHK की कीमत 12 से 15 लाख और 2 BHK की कीमत 22 से 25 लाख रुपए तय की गई थी। लेकिन इन घरों को बनाने के लिए AUDA को अहमदाबाद शहर के बाहर का इलाका मिल पाया था। वहीं दूसरी ओर 8 से 10 प्राइवेट बिल्डर्स ने अहमदाबाद के मकरबा, वेजलपुर, उत्तरी भोपाल, न्यू रानीप जैसे विकासशील इलाकों में 1 और 2 BHK अपार्टमेंट के 4,000 घरों की योजना लेकर आए, जिसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और ऑर्डर की कीमत में ही ऑफर किया जा रहा है।
आपको बता दें कि सरकारी योजना के मुकाबले प्राइवेट बिल्डर्स के इस स्कीम को महज 3 महीने में ही 70% तक की बुकिंग मिल चुकी है। खास करके न्यू रानी एरिया है, भोपाल का सिलेज के पास वाला एरिया है और मकरबा और वेजलपुर एरिया है, ये और सब एरिया में कुल मिला के 8 से 10 डेवलपर की स्कीमें चल रही है और कम से कम एफोर्डेबल हाउसिंग का ये एरिया में 8 से 10 हज़ार का सप्लाई है और मेरे हिसाब से करीबन 60 से 70% बुकिंग हो गई है। दरअसल अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और ऑडा का साल 2011 के अंत तक 11,000 सस्ते घर बनाने का इरादा था, जहां उन्हें अब तक 2600 घरों के लिए केवल 1500 अर्जियां ही मिल पाई हैं। अपने सस्ते घर बेचने के लिए ऑडा ने अब दावा किया है कि प्राइवेट बिल्डर्स की तुलना में लोगों को उनके घर खरीदना ज्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि वे कारपेट एरिया के हिसाब से कीमत तय करेंगे, जबकि प्राइवेट बिल्डर्स लोगों से अलग अलग चार्ज वसूल रहे हैं। जो प्राइवेट होता है वो बिल्डर कार पार्किंग का चार्जेस लेता है, ड्रेनेज का चार्जेस लेता है, एसी का चार्जेस लेता है और दूसरा अन्य चार्ज एक्स्ट्रा लेके कस्टमर्स को देता है वो। जहाँ औड़ा में जो रखी है प्राइस उसमें 100% सब कुछ आ जाता है और पार्किंग की विशेष सुविधा मिलती है, गार्डन मिलता है, 24 घंटा पानी मिलता है और फायर सेफ्टी भी सुविधा उसमें आती है। देश भर में जहां रियल एस्टेट मार्केट में मंदी छाई हुई है, वहीं सस्ते घर देने की प्राइवेट बिल्डर्स और सरकार की इस लड़ाई में फायदा ग्राहकों का ही होगा। औड़ा और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को मिल रहे फीके रिस्पांस को देखते हुए इन्होंने बुकिंग की तारीख 1 महीना एक्सटेंड करके 25 जनवरी तक कर दी है। इतना ही नहीं, हमें सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक औड़ा और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन प्राइवेट बिल्डरों का मुकाबला करने के लिए अपनी प्रस्तावित कीमतों में 10 से 15% की कटौती करने पर भी विचार कर रही है। अब देखेंगे हमारा खास सेक्शन टॉप टिप्स, जहां हमारे एक्सपर्ट BOP.IN के MD अमित मावी बताएंगे आपको कुछ ऐसे नुस्खे जिससे आपका प्रॉपर्टी खरीदना या उसमें निवेश करना आसान होगा। अमित, स्वागत है आपका। ये बताइए, क्या स्पेशल टिप आप लेकर आए इस बार हमारे दर्शकों के लिए? आई थिंक कविता, इस ये समय परफेक्ट है फॉर फर्स्ट होम बायर्स एंड एंड यूजर्स को एंटर करने के लिए, बिकॉज पिछले 4-5 साल में काफ़ी प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं जो अब डिलीवरी के नज़दीक आ चुके हैं। तो अगले 1 साल में ऐसे बहुत प्रोजेक्ट्स हैं पैन इंडिया बेसिस पे जो डिलीवरी के लिए आ रहे हैं। सो फर्स्ट होम बायर्स एंड यूजर्स, अभी डिमांड इतनी नहीं है तो ये परफेक्ट टाइम है, मार्केट में जाइए, नेगोशिएट करिए अपना बेस्ट रेट एंड यू कैन गेट योर ड्रीम होम। दिस इज द परफेक्ट टाइम। राइट, तो कौन से लोकेशंस में इस तरह का सप्लाई आपको दिख रहा है और किस टाइम फ्रेम में पोजीशन के लिए देखना चाहिए ग्राहकों को? NCR में मैं बताऊं तो नोएडा एक्सप्रेसवे पे बहुत अराउंड 17 प्रोजेक्ट्स हैं जो 2014 में पोजीशन के लिए रेडी हैं। सो उसके अंदर बहुत इन्वेंट्री है जहाँ पे अच्छी डील्स अवेलेबल हैं। बैंगलोर में इलेक्ट्रॉनिक सिटी में अराउंड 3500 रुपये स्क्वायर फिट में आपको रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट्स अवेलेबल मिल रहे हैं। सो दीज आर द 2 प्लेसेस जहाँ पे हम बहुत अच्छी डिमांड विटनेस कर रहे हैं और काफ़ी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं। एंड अदर देन दैट ऑल्सो पैन इंडिया बेसिस पे चेन्नई एवरीवेयर देयर लॉट ऑफ सप्लाई। आप अपने लोकल मार्केट में माइक्रो देखिए, टॉक टू द प्रॉपर्टी एक्सपर्ट इन योर रीजन एंड आई एम श्योर ये समय बिल्कुल सही है एंटर करने के लिए, बिकॉज आपको एंट्री रेट भी बहुत रीजनेबल मिलेगा। बिकॉज ऑफ जो बाजार की मंदी है तो रेट्स भी ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करें, और अगर आप इलेक्शन के बाद का इंतजार करेंगे तो उस टाइम हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि रेट शुड गो अप। इनफैक्ट अगर कोई इन्वेस्टमेंट के लिए भी देखता है 6 से 9 महीने के लिए तो आर ब्रोकरेज फर्म इज एडवाइजिंग ऑन पीपल टू एंटर। शुक्रिया अमित, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। यानी अगर आपको घर की खरीदारी करनी हो या निवेश करना हो, दोनों के लिए ये बहुत ही अच्छा वक्त है। रियल एस्टेट टीवी में वक्त हो चला है कि हम आपसे विदा लें, लेकिन जाते जाते नजर डालेंगे मुंबई एयरपोर्ट के नए टर्मिनल T2 पर, जिसका उद्घाटन शुक्रवार को ही प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के हाथों हुआ। 4,29,000 स्क्वायर मीटर एरिया में फैले इस नए टर्मिनल में गार्डन और फाउंटेन के साथ मल्टी लेवल कार पार्किंग तक मौजूद है और इसकी क्षमता सालाना 4 करोड़ यात्रियों की है। एयरपोर्ट के साथ इस इलाके का रियल एस्टेट भी डेवलप करने की योजना है। कुल 2000 एकड़ में से कुछ 10% यानी 133 एकड़ जमीन का कमर्शियल डेवलपमेंट होना है, लेकिन वो तो बाद की बात है।
फिलहाल आप देखिए मुंबई के नए एयरपोर्ट टर्मिनल का नजारा। नमस्कार।